सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी रेजिमेंट। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? आर के सन्मुखम सेट्ठी। भारत द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की? केरल। केरल राज्य ने पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? 93। जिसमें से 93 जो थे रियासतों के प्रतिनिधि थे। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? केरल। केरल में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा है? जनसंख्या। मालथीसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या जो है गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रही है, जीपी के स्पीड से बढ़ रही है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है। निम्न में से किस राज्य में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है? ओडिशा। ओडिशा में सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू किया गया है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 98 में पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल NDRF स्थापना दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ। जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो कलरव का उद्घाटन बिहार। सलीम अली चिड़िया अभयारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभयारण्य गोवा में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के असम राज्य में स्थित है रूपसी हवाई अड्डा, भारत के असम राज्य में। बीज बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ, किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में बीज को बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को रखा गया है। राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में स्थित खेतरी खदान तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अथपू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? अथपू प्रवाल द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। ट्रैंक 1.5 कूटनीति क्या होती है? तो ट्रैंक 1.5 क्या है? सरकारी है, गैर सरकारी है, लेकिन ये सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों कूटनीति है। ट्रैंक 1.5 सरकारी एवं गैर सरकारी। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इंडेक्स IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रकाशित करता है। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ हुई? तो नेपाल की है प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन है, जो कि बिहार के मोतिहारी से स्टार्ट हुआ।